दोस्तों अपने कंप्यूटर में हिंदी में कैसे टाइप करना है, इसके लिए मैंने गूगल इनपुट टूल्स की एक लिंक दे दी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करने की उस लिंक से कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि लिंक करप्ट है या फाइल करप्ट हो जाती है डाउनलोड होने के बाद। तो इसके लिए सॉल्यूशन मैं सिंपली बता दूं कि आप जब डाउनलोड करते हो तो आपके कंप्यूटर का एंटीवायरस थोड़ी देर के लिए डिसेबल कीजिए, फिर उसके बाद वो डाउनलोड हो जाता है, फिर उसके बाद आप एंटीवायरस फिर से इनेबल कीजिए, फिर इंस्टॉल करके रखिए, चलेगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ, गूगल इनपुट टूल के लिए अल्टरनेट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल के बारे में डिटेल में, और ये बिल्कुल फ्री में है। तो मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल जो है किस तरह से डाउनलोड करना है उसके बारे में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कीजिए, आपके स्क्रीन पे इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको ये इंडिक टूल मिलेंगे। अलग अलग इंडिक टूल मिलेंगे, यहाँ पे इंडिक टूल 3, 2, 1 इस तरह से भी है, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से इंडिक टूल आप सिलेक्ट करोगे। इंडिक टूल सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड इजीली हो जाता है, 10 से 15 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना तो सबको पता है दोस्तों, और इंस्टॉलेशन स्टेप्स बहुत सिंपल है। अगर आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते हो तो फाइनली आपको राइट कॉर्नर में जहाँ पे नोटिफिकेशन बार आता है अपने कंप्यूटर में, वहाँ पे आपको ये इंडिक टूल का आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए, जो आपने इंडिक टूल इंस्टॉल किया उसकी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं नोटपैड वगैरह सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ भी टाइप करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे वो हिंदी में टाइप होके आ रहा है। तो गूगल इनपुट टूल नहीं चल रहा है, करप्ट वगैरह दिखा रहा है, तो उसको मारो गोली और करो माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल का यूज। दोस्तों चलिए, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ज्यादा ही पसंद आया तो आप क्या करेंगे, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर लिखिए कैसे लगा आज का वीडियो। मैं भी लूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक लेके कहूंगा सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।